वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टेस्ट टीम और ओडीआई टीम का हो गया है ऐलान। सूर्य कुमार यादव टेस्ट में नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल टेस्ट टीम का हिस्सा है, शार्दुल ठाकुर दोनों टीमों का हिस्सा है, अजिंक्य रहाणे को उपकप्तान बनाया गया है, चेतेश्वर पुजारा के लिए टेस्ट में कोई जगह नहीं है और सरफराज खान भी नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले खिलाड़ी का नाम नहीं है, अभिमन्यु ईश्वरन का नाम भी नहीं है, जयदेव उनादकट एक्चुअली दोनों टीम्स में है, अर्शदीप सिंह किसी भी टीम में नहीं है, मोहम्मद शामी भी नहीं है, शायद उनको तो विश्राम दिया गया होगा ना। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल, प्रीव्यूज रिव्यूज इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और वैसे मन तो मैंने बनाया था कि इन छुट्टियों पे एक बार भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आकाश यात्रा है तो है, पर क्रिकेट चौपाल को थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि सीजन बहुत लंबा रहा है। तो यहाँ पर जब टीम का ऐलान हो जाता है तो फिर गुफ्तगू करने का मौका मिल जाता है, कई बार यू फील कंपेल्ड कि हमें करना चाहिए, ये बात जरूर करनी चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि मतलब अजिंक्य रहाणे की तरीके से अगर आप सोचे तो आप कहेंगे नेवर गिव अप, नेवर से नेवर। दुनिया ने इनको राइट ऑफ किया था, WTC फाइनल के इंडिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे, 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने कमबैक किया है, एंड नाउ ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ द साइड, विच इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, राइट। अगर आप सिर्फ स्टोरी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इट्स अ खूबसूरत स्टोरी, पर ये आगे की तरफ देखने वाला स्टेप है या नहीं है आई एम नॉट 100% सर्टन। सूर्य कुमार यादव जो WTC फाइनल तक की टीम का हिस्सा थे, वो वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, एंड दैट लीव्स यू मतलब थोड़ा सा बिफडल्ड ना कि ऐसा क्यों किया है, इससे पहले भी तो एक ही टेस्ट खेले थे तो फिर वो WTC फाइनल की टीम का हिस्सा क्यों थे। और ज्यादातर सिलेक्शन ही क्या होते हैं, सिलेक्शन के अंदर ना चर्चा इसी बात की होती है कि कौन कौन सी चीजें वो मिसिंग पीसेज हैं, जो सिलेक्शन सही होते हैं उन पर कोई चर्चा नहीं होती है। अब चेतेश्वर पुजारा फॉर एग्जांपल नहीं है, अब चेतेश्वर पुजारा नहीं है तो क्या ये सही है इज अ क्वेश्चन, और यहाँ आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन ओपिनियन, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू समथिंग। मैं आपको कुछ अपने आंकड़े, अपने नहीं है, कुछ आंकड़े बताऊंगा पिछले 3 साल के भारतीय बल्लेबाजों के इन टेस्ट क्रिकेट, और ये सूची आपके सामने है। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन है, 18 मैचेस में 43 का औसत है, शुभमन गिल 16 मैच में 32 का औसत है, ये WTC फाइनल के बाद के आंकड़े हैं, KL राहुल 11 मैच में 30 का औसत है, पुजारा 28 मैच में 29.69 का औसत है, 28 मैच खेले हैं 29.69, और विराट कोहली इसी समय में 25 मैच खेले हैं और उनका औसत भी एकदम पुजारा के आइडेंटिकल है 29.69। एक ने 3 मैच ज्यादा खेले हैं, दूसरे 3 मैच कम खेले हैं, दोनों के आंकड़े जो हैं वो एकदम आइडेंटिकल हैं। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे इस समय बहुत अच्छा उन्होंने खेला है, तो उनके 20 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उनका औसत इस सूची में सबसे कम है, वो है 26.5 का। तो ये आंकड़े हैं जिसके चलते एक्चुअली चेतेश्वर पुजारा को मुझे लगता है कि बाहर किया गया है, और नेवर से नेवर तो कहना ही चाहिए क्योंकि जब अजिंक्य रहाणे इस तरीके से वापस आए, और चेतेश्वर पुजारा को पहले भी बीच में ड्रॉप किया गया था, बहुत कमाल का उनका काउंटी क्रिकेट का प्रदर्शन था, उसके चलते वापस उनको टीम में जगह दी गई और ही ऑल्सो डिड वेल, पर अब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट WTC साइकिल शुरू हो रहा है, ही इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे, मे बी इंडियन टीम जो है वो दूसरी दिशा में देखना शुरू कर रही है, पर आंकड़े ये बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप डिसाइड कीजिए कि आंकड़े क्या बता रहे हैं। दूसरा जो एक सवाल जहन में आता है वो ये है कि सरफराज क्या करें, अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिछले 3 साल में मतलब अगर रन आप उठा के देखें, बंदा मतलब हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट चल रहा हो, बहुत रन बना रहा हो, हर जगह रन बना रहा हो, और अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो व्हाट मैसेज डज इट सेंड, ये एक सवाल जो मतलब पूछने लायक सवाल है, या तो फिर देखिए ऐसा अगर कोई और बात है, अगर हो सकता है कि कोई और बात है जो मुझे और आपको नहीं पता है, तो मैं तो कहता हूँ उसको पब्लिक कर दो कि भाई हमें ये वाली बात सरफराज की पसंद नहीं आई और इस वजह से हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से हम कर पाएंगे अगर आगे ये बातें ठीक हो गई तो। पर क्या ये कोई ऐसी बात है या कोई बात नहीं है, मुझे और आपको तो नहीं पता है, आई डोंट नो कि सरफराज को किसने फोन करके बोला हो, मुझे नहीं पता इस बारे में, शायद बोला हो शायद नहीं बोला हो, लेकिन अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के रन्स को अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो थोड़ा सा इट लीव्स अ सावर टेस्ट इन द माउथ यार, कि क्या ठीक है ये बात। यशस्वी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, उनके रन्स जो हैं वो सिर्फ IPL के नहीं हैं, वो रन्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट के भी हैं। अब ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी वही बात कह सकते हैं कि एक तो प्रॉमिस है, दूसरा काफ़ी समय से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी रन्स बनाए हैं,
तो उनका नाम तो है अभिमन्यु ईश्वरन भी एक थे खिलाड़ी जिनके नाम मतलब बहुत रन बनाए इस साल। ओके था, सीजन बहुत अच्छा नहीं था, पर सरफराज खान का जरूर नाम ना होना थोड़ा चर्चा का विषय है। एक और मेरी एक ओपिनियन है, जस्ट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जैसे अगर अब चेतेश्वर पुजारा को आपने 29.69 की औसत के बाद बाहर कर दिया है और अजिंक्य रहाणे 26.50 की औसत के साथ अगर आप उनको उपकप्तान बनाया है, तो मैं ये कह रहा था कि क्या रविचंद्रन अश्विन को उपकप्तान नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि या तो फिर रविंद्र जाडेजा को बना दीजिए अगर आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई भी एक तो पक्का खेलने वाला, जो भी आपकी सोच में होगी ये तो पक्का खेलेगा और दूसरे का हम 50-50 हैं। बहुत आलोचना हुई थी, इवन सचिन तेंदुलकर साहब ने कहा था कि WTC के फाइनल में अश्विन को खिलाना चाहिए था, आपने नहीं खिलाया है, पर उनको अगर आप कप्तान नहीं बनाते, क्योंकि मतलब बना सकते हैं ना, ही इज गोइंग टू बी देयर राइट, जो भी मैच खेलेंगे वो तो खेलेंगे, वो नहीं खेल रहे हैं तो फिर जाडेजा तो पक्का ही खेलेंगे, जाडेजा तो ड्रॉप होते ही नहीं है, तो इन दो में से किसी एक को उपकप्तान क्यों नहीं? इज जस्ट माय थॉट, क्या ये किया जा सकता था? पर्सनली आई वुड हैव थॉट दैट वे, क्योंकि अज्जू इज आल्सो नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे। अगर हम ये बात पुजारा के लिए कह रहे हैं तो हमें यही बात अज्जू के लिए भी कहनी पड़ेगी, और थोड़ा दिल पे पत्थर रख के कहनी पड़ेगी कि यार एक अच्छा मैच रहा है बट लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे, क्योंकि आपने 2-3 साल के प्रदर्शन के बाद ड्रॉप किया था, तो आप उनके साथ बनाए रहना चाहते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अगर अच्छा उन्होंने किया है तो क्यों नहीं रहेंगे आप, लेकिन फिर उसके बाद आप ये जरूर कहते हैं कि यार ऐसा करें कि वाइस कप्तान तो नहीं बनाते हम, अश्विन को बना देते हैं। अश्विन इन माय ओपिनियन कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, ऐसा मुझे लगता है, अगेन ये मेरी सोच है सिर्फ। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे, KS भरत, ईशान किशन, ये टेस्ट मैच की टीम की बात कर रहा हूँ, अश्विन, जाडेजा, शार्दुल, अक्षर, 3-3 स्पिनर्स हैं, शार्दुल, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार इंटरेस्टिंगली दोनों टीम्स का हिस्सा है, और नवदीप सैनी भी हैं जो टेस्ट टीम में है, जयदेव उनादकट भी टेस्ट टीम में है, यहीं पे एक्चुअली वनडे की टीम भी थी, लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट एज वेल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ODI स्क्वाड भी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ODI स्क्वाड के अंदर भी आप पाएंगे कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जो कि टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, क्यों थे WTC का हिस्सा फिर ये बता दो, आई हैव गॉट नो आइडिया सीरियसली। संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या इज द वाइस कैप्टन, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, यूजी चहल, कुलदीप यादव, सो लॉट्स ऑफ स्पिन ऑप्शंस, 1, 2, 3, 4 स्पिन ऑप्शंस मुझे नजर आ रही है जिसमें अक्षर हैं, यूजी हैं, कुलदीप हैं, जड्डू हैं, सारे तो नहीं खेलेंगे, हालांकि वेस्ट इंडीज में आजकल स्पिनर्स थोड़ा ज्यादा खेलते हैं, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक एंड मुकेश कुमार यहाँ पे भी शामिल नहीं है, शामिल मुझे लगता है कि इनको विश्राम दिया गया है कि आप रेस्ट कीजिए कोई बात नहीं है, मुकेश कुमार दोनों टीम्स में है, जयदेव उनादकट दोनों टीम्स में है, उमरान मलिक वनडे की टीम में है, टेस्ट की टीम में नहीं है, मुकेश कुमार, जयदेव दोनों में है, और नवदीप सैनी को टेस्ट टीम में रखा गया है, उनको वनडे टीम में नहीं रखा गया है। अब इसमें अर्शदीप नहीं है, अर्शदीप का नाम किसी भी टीम में नहीं है अभी, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जो बाकी फास्ट बॉलिंग के कंटेंडर्स थे वो पूरी तरह से फिट ही नहीं है, तो कुल मिला के मैं बड़े बड़े टेक अवेज तो यही थे कि थोड़ा सा अलग दिशा में चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर 2 steps forward 1 step backwards मे बी दैट इज व्हाट दे आर डूइंग और नॉट डूइंग, नंबर मैंने आपके सामने रखे थे, पर आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, अब आप बताइएगा कि आकाश यात्रा पे कहाँ जा रहे हैं हम, तो चल रहा है, वैसे आपको ये दिखा देता हूँ कहाँ पे हूँ, स्लाइटली थोड़ा आइडिया हो जाए तो, आई डोंट नो अगर यहाँ से कुछ पता चले आपको, स्कैंडिनेवियन कंट्री का, अभी के लिए इतना ही चलता है, और बताइएगा आप सिलेक्शन से कितने खुश हैं कितने नहीं हैं, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो गया है, इक्विपमेंट भी पूरा नहीं है, लाइट भी नहीं है, लाइट ठीक है, आवाज ठीक है, प्लीज बताइएगा जरूर। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, और प्लीज डू चेक आउट विमल कुमार जी का, हमने बड़ा एक खूबसूरत सा पीस अपने चैनल पे डाला है, उसके बाद आकाश यात्रा भी आने वाली है, और हिज स्टोरी भी है, मेरा पहला भी है, इतनी सारी चीजें आ रही हैं इस चैनल के ऊपर, प्लीज डू चेक इट आउट, और आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, टेक केयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, और या वेस्ट इंडीज वाले मैच टूर्नामेंट जो पूरा टूर होगा उस पर कॉमेंट्री करते हुए नजर आ जाऊंगा, क्योंकि जियो सिनेमा पे आ जाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ, बच्चों का टाइम आ रहा हूँ बेटा, एक सेकंड रुको, आई एम कमिंग।